इधर आ। ये देखें ये स्ट्रीट आपको इटालियन स्ट्रीट लग रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है कि खैर से होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। आपका भाई मलेशिया में इस टाइम पहुंच चुका है, आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जगार्टा टू मलेशिया, आपका भाई पहुंच चुका है। और इस टाइम जी मलेशिया का जो एयरपोर्ट है उस पर आपका भाई इस टाइम मौजूद है और अपने भाई का वेट कर रहा है। तो जैसे ही आधे रात है आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी मलेशिया का एयरपोर्ट, मज़े का एयरपोर्ट है, लेकिन अभी मैं बाहर निकल रहा हूँ तो देखते हैं जी किस तरह का एयरपोर्ट ये बना हुआ है। जगार्टा के एयरपोर्ट से थोड़ा बहुत मिलता जुलता नज़र आ रहा है। जी आपका भाई इस टाइम टॉयलेट आया और बाहर आपके भाई के ख़राब हो गए, मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने इतनी यानी कि वो उसके ऊपर वैक्स ले रहे थे लेकिन आपके भाई के बाल ख़राब हो गए हैं। जी आदिल आ रहा है दूसरे प्लेन से। अभी उतरा था प्लेन, इधर बैठा हुआ था, मुझे वो कहता कि किधर बैठे हुए हो। बांग्लादेश का था, कह रहे थे आगे चलो, मैंने कहा मैं भाई का वेट कर रहा हूँ। जी इस टाइम आपका भाई इमिग्रेशन ऑफिस जा रहा है और ये देखें जी एक लिफ्ट में बैठे हुए हैं हम, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है जी, अभी जगार्ता के एयरपोर्ट की तरफ। इधर जी आपको हर तरह के लोग नज़र आएंगे, लगते इंडियन हैं लेकिन होते मलेशियन हैं, लैंग्वेज वो बोलते हैं, लैंग्वेज हिंदी भी को नहीं आती इनको। तो ले जी इमिग्रेशन ऑफिस पहुंची हूँ मैं, तो आपसे होती है बाद में बात। सो गाइज आई पिट माई इंडोनेशियन फ्रेंड्स, सो व्हाट्स योर नेम? हेल्दी आर यू? अजंग एंड ऑल ऑफ दीज आर चांतिक, यू नो। सो यू गाइज आर गोइंग टू थाईलैंड, which city, like Bangkok or something? And how long? It's gonna be 5 days. 5 days. Oh, for holidays. Yeah. Okay, thank you so much. ले जी इस टाइम है जी आपके भाई 2 बजे हैं जी रात के, और अभी जी हम कोलालमपुर के क्या कहते हैं जी एयरपोर्ट पे ही हैं। तो भी बाहर जाने का रास्ता देख रहे हैं, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, समझ नहीं आ रही कहाँ से कहाँ निकलना। ये देखें जी आपके भाई की आंखों में फुल हल्के पड़ चुके हैं इस टाइम, नींद आई हुई है मुझे और बाहर का रास्ता नहीं मिल रहा। ये देखें जी ना जी, बात ये है कि अभी रात के 4 बजे हुए हैं, इस टाइम एयरपोर्ट पे आपका भाई बैठा है, आदिल वाशरूम गया। तो जी इधर से बस चलनी है क्या कहते हैं जो मेन सिटी है केरल मलेशिया में, तो केरल की यानी कि जो कोलालमपुर की जो मेन सिटी है उसमें बस का हम वेट कर रहे हैं, यानी कि वो 6 बजे शायद चलेगी। तो इधर से बैठ के फिर उधर जाएंगे, फिर उधर होटल में हम जाएंगे, तो तब तक आपके भाई को इधर सोना पड़ेगा। ये देखें जी देख रहे हैं, ये देखें मेरे सामने भी सारे, ये देखें ये लोग पीछे सोए पड़े हुए हैं। कोई जगह मिल नहीं रही लेकिन चलें कोई बात नहीं, हम भी ऐसे ही सो जाएंगे, मुसाफिर हैं, ट्रैवलर हैं, सो जाते हैं कोई बात नहीं। ये आपका वही बस पे जाने लगा। ये आपका वही बस के ज़रिए जाने लगा और ये देखें जी 15 रिंगेट की आपके भाई ने लिया जी बस, और इधर से हम जाएंगे जी केएल सेंट्रल। ले जी अभी सुबह सुबह का टाइम है और आपके भाई ने भी टिकट लिया है, ये आपको दिखाई है मैंने। तो जी बड़ी मुश्किल से जी ये एयरपोर्ट बड़ा कोई, मैं कहता हूँ ना कि कोई भूल भुलैया की तरह कि आपको पता नहीं लगता कि आपने कहाँ से निकलना कहाँ जाना, लेकिन फाइनली नीचे पहुँचे हम। और ये देखें जी ये बसेज आ रही हैं अभी और ये आदिल खड़ा हुआ है, तो बस का वेट कर रहे हैं। अभी सुबह सुबह का तकरीबन टाइम है, 5-6 बजे हुए हैं। तो जैसे ही बस आती है फिर हम निकलते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि जी क्या सीन होता है आगे। जी अब आपका भाई बस में बैठने लगा और सीधा केएल सेंटर हम उतरेंगे। ले जी इस टाइम बस में बैठ चुके हैं और बस चलने लगी है केएल सेंटर, और साथ साथ जी पूरा मनाजिर नज़र आएंगे। इतना भी ये नज़ारा जी अभी ट्रेन स्टेशन पे पहुंच चुके हैं और ये आदिल जी टिकट करवा रहा है। ये अभी आप पैसे अंदर डालेगा और दो टिकटें जी बाहर आ जाएंगी। हम जा रहे हैं जी इस टाइम होटल में 2.60 रिंगिट बने हैं। जी ये दो टिकटें निकल रही हैं और ये देखिए चेंज भी निकला है नीचे से। तकरीबन ये पाकिस्तानी एक रिंग आपसे कितने का बनता है एक टिकट? 20-30 रुपए का, 15-20 रुपए का बनता जी। नहीं जी ये एक मैंने चीज़ नोट किया कि जो मलेशिया इंडोनेशिया से सस्ता इंडोनेशिया में टिकट बहुत महंगा होता है। ले जी फाइनली पहुंच चुके हैं जी स्टेशन के ऊपर। बड़ी मुश्किल से मैं आपको क्या बताऊं कितनी स्ट्रगल है। इधर तो लैंग्वेज बैरियर है ही, लोग दबके भी मार दें तो ये है कि इधर से अब ट्रेन आएगी तो अब हम होटल जा रहे हैं। MRT Kajang Line and connecting station. Hey जी इस टाइम हम जी KL के जी सेंट्रल में आ चुके हैं। देख रहे हैं जी आप वो ट्विन टावर आपके भाई को नज़र आ रहा है। देख रहे हैं जी इस टाइम KL के सेंटर में खड़े हैं और अभी जी हम होटल जाएंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा जी हम कहाँ जाते हैं। ये पता नहीं कौन सी बिल्डिंग है, ये बड़ी मज़े की बिल्डिंग लग रही है। देखें जी इस टाइम आई थिंक इस मस्जिद का नाम है जी नेशनल कोलालमपुर और समथिंग, मुझे इस मस्जिद का नाम भूल गया। ये बड़ी मशहूर मस्जिद है, इधर भी जाएँगे। बाकी ये देखें जी आपको दिखाएँ। देख रहे हैं जी मलेशिया इस टाइम बड़ी खूबसूरत अब हवा है जी इस टाइम मलेशिया की। ये देखें अभी अब हवा है। ले जी इस टाइम कोलालमपुर की सड़कों पर चला जा रहा है और ये देखें जी कितनी मज़े की स्ट्रीट्स हैं। यूरोप वाली वाइब मुझे बिल्कुल नहीं आ रही, लेकिन यह है कि बहुत मज़े का सीन है जी इधर। तो ये स्ट्रीट का पता नहीं क्या नाम है, आई थिंक ये भी बड़ी मशहूर स्ट्रीट होगी। अभी फ़िलहाल हम आदिल के साथ में और हम होटल ढूँढ रहे हैं, होटल ढूंढ रहे हैं जी इस टाइम हम। ले जी बड़ी मज़े की स्ट्रीट में दाखिल होने लगे आपका भाई। आपको स्ट्रीट दिखाते हैं जी, ये देखें जी और ये स्ट्रीट देखें। देख रहे हैं जी आप स्ट्रीट, बड़ी मज़े की स्ट्रीट है जी। है वेलकम टू लिटिल इंडिया। ये देखें जी स्ट्रीट में तो आ चुके हैं लेकिन स्ट्रीट अभी बंद लग रही है। सामने चलते हैं जी, आपको मैं 7-Eleven दिखाने लगा हूँ। ये पूरे यानी कि सेंट्रल साउथ ईस्ट एशिया में ये एक सबसे यानी कि मैं कहता हूँ कि सबसे जो सा इतना एक्सपेंसिव नहीं होता ये, लेकिन ये कि इसके रेट आई थिंक कंट्रीज़ के हिसाब से होते हैं, कभी ज़्यादा भी होते हैं कभी कम भी होते हैं। लेकिन आज जाके देखते हैं। आदिल आपने पहले देखा था थाईलैंड में, थाईलैंड में उसने 7-Eleven देखा था। ये देखें जी किधर आ? देख रहे हैं जी आप इधर कितना पीस है। और इधर मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा जी इधर इंडियंस हैं। तमिल वाली साइड से खास तौर पर जो आदिल को पसंदीदा है, तमिल वाली साइड से बहुत ज़्यादा लोग हैं। दूसरी साइड से तो मैंने कम ही देखे, लेकिन तमिल इतना बंदा इधर। मैं कहता हूँ कि मलेशिया में मुझे लग ही नहीं रहा कि भाई ऐसे लग रहा है कि इंडिया में बंदा आ गया, इतना इंडियंस हैं इधर। आई थिंक इनका वीज़ा फ्री है शायद, इस वजह से, पता नहीं अब क्या वजह है। ये देखें जी, जा तो हम होटल की तरफ रहे थे, लेकिन ये था कि हमने कहा चलो एक्सप्लोर कर लेते हैं चीज़ें। बड़ी मज़े की स्ट्रीट है इधर, बड़ी मज़े की वाइब है। ये देखें जी, हर जगह आपको इंडियन शॉप इधर नज़र आएगी, हर जगह। कोई आपको पाकिस्तानी है, कोई किसी किस्म का कोई नज़र नहीं आएगा। तो ये है कि इधर जो क्या कहते हैं जी, इंडियंस का बहुत ज़्यादा बिजनेस है, चाहे वो खाने का। ये देखें जी, आपको हर जगह हर स्ट्रीट पर इंडियन ही नज़र आएगा। देख रहे हैं जब तक कोलमपुर का नाम ना लिटिल इंडिया रख, लिटिल 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 मलेशिया रख देना, लिटिल इंडिया कोलमपुर का रख देना चाहिए। तो इधर आपको यार इंडियन ही नज़र आता है। ये देखें, ये आपके सामने है, ये देखें सड़क किनारे भी इंडियन ही खड़े हैं, और ये पार भी वही खा रहे हैं। नहीं जी, आपका भाई हम चाइनीज स्ट्रीट में है कोलमपुर की। मेरे साथ एक चाइनीज इंसान है। सुबह सुबह का टाइम है, स्ट्रीट इस तरह ओपन नहीं है, लेकिन यह है कि ये चाइनीज़ लोगों ने काफ़ी, इधर मुझे दुकानदार हैं जो चाइनीज़ आपको लोग नज़र आएंगे। देख रहे हैं जी आप द स्ट्रीट ऑफ चाइना इन कोलमपुर। और इधर मज़े की बात यह है कि मैंने जकार्ता में देखी है ये भी, यानी कि स्ट्रीट्स होती हैं उधर भी, जकार्ता के अंदर भी, इंडोनेशिया में भी, चाइना का चाइना टाउन वगैरह। लेकिन इधर जो उनसे दुकानदार हैं वो जो ज़्यादा हैं वो चाइनीज़ हैं। तो इधर मज़े की बात यह है कि ज़्यादातर जो लोग हैं इधर चाइनीज़ बैठे हुए हैं, चीज़ें बेच रहे हैं। ये देखें ये स्ट्रीट आपको इटालियन स्ट्रीट लग रही है। देखें जी आपके भाई, आप खुद ही मुझे बताएं इटली वाली वाइब आ रही है ना आपको इधर से। ये आपके भाई का जी होटल है इस टाइम, और ये देखें बाहर का व्यू कितना मज़े का है, ट्रैफिक लगी हुई है बाहर। ले जी, ये थी जी आज की वीडियो, और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखें आपके भाई ने आपसे वादा किया था कि दूसरी कंट्रीज़ में जाऊँगा और आपके लिए मैं वीडियोज़ बनाऊँगा। तो जी ये आई थिंक दूसरी वीडियो है कोलालमपुर की, तो अभी इसके बाद जहाँ जाऊँगा आपको दिखाऊंगा। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आकू चिंता इंडोनेशिया, ओह सॉरी कोलालमपुर। ओके बाय बाय।